अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फरहीन कुकिंग्स फॉर यू यूट्यूब चैनल। तो आज हम अपने किचन में बना रहे हैं आलू के चीज़ बॉल, जो कि बहुत ही टेस्टी बनते हैं और ये बच्चे हो या बड़े सभी को बहुत ही पसंद आते हैं। तो फिर चलिए देखते हैं ये आलू के चीज़ बॉल कैसे बनाए जाते हैं और इसे बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस लाल सब्सक्राइब के बटन को दबाएँ और घंटे के निशान को दबाकर ऑल पर क्लिक करने से आप मेरी वीडियो सबसे पहले फ्री में देख सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो थम्स अप जरूर दें। तो आलू के चीज़ बॉल बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 5 मीडियम साइज़ के आलू को बॉईल करके रख लिया है और 1 मीडियम साइज़ की प्याज लेंगे हम बारीक चॉप की हुई, और ये मैंने मोज़रेला चीज़ लिया है जिसके मैंने छोटे छोटे क्यूब्स बनाकर रख लिए हैं। मैदे का आटा लिया है मैंने 4 टेबल स्पून, और थोड़ा सा हरा धनिया लेंगे हम बारीक कटा हुआ, नमक लेंगे हम अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, गरम मसाला लेंगे हम 1 टीस्पून, रेड चिली फ्लेक्स लिए मैंने 1 टेबलस्पून, कुटा हुआ धनिया चाहिए हमें 1 टीस्पून, भुना हुआ जीरा पाउडर लेंगे हम 1 टीस्पून, और ये है ब्रेड क्रम्ब। तो ये चीज़ें चाहिए हमें आलू के चीज़ बॉल बनाने के लिए। तो चलिए हम अपनी रेसिपी शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम ये बॉईल किए हुए आलू लेंगे और इसके सारे छिलके उतार देंगे। तो देखिए मैंने आलू के सारे छिलके रिमूव कर लिए हैं। अब हम इन आलूओं को मैश कर लेंगे। आप इसे मैशर की मदद से भी मैश कर सकते हैं, लेकिन मैं इसे हाथ से मैश करूंगी। तो ये सारे आलू मैंने अच्छे से मैश कर लिए हैं। अब हम इसमें सारे मसाले ऐड कर देंगे। तो मैं इसमें ये चिली फ्लेक्स ऐड कर रही हूँ, आप इसकी जगह पर हरी मिर्च भी ऐड कर सकते हैं, और ये भुना हुआ ज़ीरा पाउडर हम इसमें ऐड करेंगे, क्रश किया हुआ धनिया ऐड करेंगे, और ये नमक ऐड करेंगे, गरम मसाला पाउडर, और ये कटा हुआ हरा धनिया ऐड करेंगे, बारीक कटी हुई प्याज भी हम इसमें डाल देंगे, और इसकी बाइंडिंग के लिए ये मैदा भी हम इसमें ऐड कर देंगे। तो इन सभी चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। तो देखिए सारी चीज़ें हमने आलू में अच्छी तरह से मिक्स कर ली हैं। तो अब हम इसके बॉल रेडी करेंगे। तो मैंने अपने हाथों को चिकना कर लिया है। अब हम ये थोड़ा सा बैटर उठाएंगे और इसे इस तरह से गोल गोल घुमाते हुए इसका बॉल बनाएंगे, और फिर हम इसे इस तरह से प्रेस करके इसे चपटा कर लेंगे, इसे फैला लेंगे, और इसमें हम ये चीज़ की स्टफिंग करेंगे। तो इस तरह से हम चीज़ को इसके सेंटर में रखेंगे और फिर इस चीज़ को उंगलियों से इस तरह से कवर कर लेंगे। चीज़ को कवर करने के बाद इस तरह से हम इसे गोल गोल घुमाते हुए इसका बॉल रेडी कर लेंगे। तो देखिए हमारा एक बॉल रेडी हो चुका है, तो हम इसे रख देंगे प्लेट में। तो बस इसी तरह से आपको सारे बॉल इसके रेडी करके रख लेने हैं। तो देखिए मैंने सारे बॉल रेडी करके रख लिए हैं। तो अब हम एक कटोरी में ये मैदा लेंगे और इसमें पानी ऐड करके इसका घोल तैयार करके रख लेंगे। इसके बाद हम ये एक एक बॉल उठाएंगे और सबसे पहले हम ये मैदे के घोल में इसे डीप करेंगे, और इसके बाद हम इस पर ये ब्रेड क्रम्ब की कोटिंग कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से हमें इसकी कोटिंग कर लेनी है। तो देखिए अब इसकी कोटिंग हो चुकी है, तो इसे हम रख देंगे प्लेट में, और इसी तरह से हम सारे बॉल की कोटिंग कर लेंगे और इसे प्लेट में रखते जाएंगे। तो अब हमारे ये सारे पोटैटो चीज़ बॉल रेडी हैं। अब हम इसे फ्राई कर लेते हैं। ऑयल को मैंने रख दिया था गर्म होने के लिए। अब ये ऑयल अच्छी तरह से गर्म हो चुका है, तो हम इसमें ये आलू के चीज़ बॉल मीडियम फ्लेम पर फ्राई करेंगे।
इसे हमें बार बार घुमाना नहीं है। जब ये अच्छी तरह से एक साइड से फ्राई हो जाएंगे तब हम इसकी साइड चेंज करेंगे। तो देखिए अब ये एक साइड से फ्राई हो चुके हैं तो हम इसकी साइड चेंज कर लेते हैं। तो देखिए आलू के चीज़ बॉल हमारे अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं। अब हम इसे निकाल लेंगे एक प्लेट में। तो इसी तरह से हम बाकी के भी फ्राई कर लेंगे। तो देखिए हमने सारे आलू के चीज़ बॉल फ्राई कर लिए हैं अच्छे से। इसे भी हम निकाल लेंगे प्लेट में। तो फ्रेंड्स हमारे आलू के चीज़ बॉल रेडी हैं। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और मज़े के बने हैं। तो ये ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और चीज़ी बने हैं। तो देखिए मैं इसे आपको तोड़ कर दिखा रही हूँ। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये पोटैटो चीज़ बॉल की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे काइंडली सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं किसी और रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस बटन को दबाकर भी आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं।